एक आलू, आधा खीरा, मिन ई का कैप्सूल। हमें सिर्फ सारी चीजों को कद्दूकस करके और उनका सिर्फ जूस लेना है। तो गाइस ये लगाने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शशि एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम, लेट स्टार्ट टुडेज टॉपिक। सो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है। मेरी जैसे यंग एज की लड़कियों को ना बहुत ऐसा इनसिक्योर और अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है, बिकॉज उनके जो डार्क सर्कल्स होते हैं ना, सिर्फ उस वजह से। आप लोग रिलेट कर पाएंगे। जैसे मैं हूँ, मैं भी अपने ग्लासेस वेयर करती हूँ, बट मैं फॉर प्रोटेक्शन भी यूज करती हूँ अपने ग्लासेस को, क्योंकि ऐसा होता है कि जो भी लोग इतना ज्यादा सिस्टम वर्क करते हैं, जिन्हें लैपटॉप पे काम करना ही करना होता है और उनकी आई साइट्स वीक हो जाती हैं, जो कंप्यूटर की रेज होती हैं, टीवी की रेज होती हैं, और लेट नाइट तक फोन चलाना और बाकी सारी चीजें, मतलब होता है ना रात को कुछ 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 कुछ, अरे कहना क्या चाहते हो, सॉरी, रात को कुछ 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 बातें बातें करना, देर रात तक बात करना दोस्तों से। ऐसा नहीं कि सब लोग अपने बॉयफ्रेंड से बात करते हैं, जिनके बॉयफ्रेंड्स नहीं होते हैं वो लोग दोस्तों से भी बात करते हैं। तो लेट नाइट तक बात करना और लेट नाइट तक फोन चलाना और बहुत ज्यादा ऐसे फ्रीक्वेंटली सिस्टम पे काम करना, तो उसकी वजह से आईज वीक हो जाती है। बट पता है, लड़के इन सब चीजों से ना डील कर लेते हैं। लड़कियों के साथ क्या होता है कि उनको ऐसा लगता है कि यार डार्क सर्कल होना लड़कियों की खूबसूरती होती है ना यार, आंखें, और अगर वही आंखें काली काली गड्ढे वाली और ऐसे दिखे कि आप दिन में चलते हुए ही पांडा दिख रहे हो, आपकी आंखें काली होती जा रही है, तो थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटी और थोड़ा सा ऐसे अंडर कॉन्फिडेंट तो फील होता ही है ना यार, सब लोगों के बीच बैठने में चलने में। तो उसके लिए मैं जो पर्सनली खुद यूज कर रही हूँ, मेरे को हो चुका है 1 महीना हो गया है और मैं खुद यूज कर रही हूँ, आप देख सकते हो। मैं तो मैं मेरा भरोसा मार्केट के प्रोडक्ट से उठ चुका है। मैंने इतने प्रोडक्ट्स मार्केट से मंगाए हैं, मुझे लगता था कि यार सब लड़कियों के चेहरे पे काम करता है तो मेरे पे भी कर, क्योंकि हाँ मेरा कॉम्प्लेक्शन थोड़ा बहुत डल था और मुझे भी लगता है कि यार ठीक है थोड़ा सा इम्प्रूव होता है ना, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है तो फिर आपको लगता है कि यार वो तो थोड़ी सी सुंदर दिख रही है, मेरा भी कॉम्प्लेक्शन ऐसा होता ना तो फिर मैं भी ऐसा करती। तो मेरे को भी बहुत ऐसा अंडर कॉन्फिडेंट फील होता था और मेरे को बहुत लगता था कि यार नहीं यार थोड़ा बहुत अपने ऊपर ध्यान देता है, लेकिन इतनी यंग एज में काम बाकी सारी चीजें देखते देखते ना टाइम ही नहीं मिला यार अपनी स्किन पे भी काम कर पाऊं। बट मैंने इतने मार्केट के प्रोडक्ट्स लगाए, मैं एक दिन लगाती थी तो मुझे अगले दिन ऐसा लगता था कि यार ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, फिर मैं उसे कॉन्टिन्यूसली लगाती थी। बट जिस टाइम पे मैं इतनी लेजी हूँ, और होता है यार आपको काम करते करते ना इतना टाइम नहीं मिलता कि आप अपने स्किन पे या अपनी चीजों पे ना ध्यान दे पाओ, और वो टाइम निकालना हम जैसे लेजी लोगों के लिए तो नहीं है। तो मैं मार्केट प्रोडक्ट्स पे इतना रिलाय करती थी कि मैं उन प्रोडक्ट्स को यूज करती थी, और यूज करने के बाद रिजल्ट आता था, बट ऐसा लगता था कि यूज करते ही आप जैसे स्टॉप करोगे ना आपकी स्किन वापस पहले जैसी हो जाएगी, विच आई डोंट वॉन्ट, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। भाई एक तो पैसा भी लगाओ, आपका थोपड़ा भी ना सुधरे तो फिर आप पैसे क्यों लगा रहे हो। अभी आप लोगों को मेरे को देख के ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि यार ये खुद का थोपड़ा तो इसने ऐसा कर रखा है, ये हमें क्या बताएगी। तो जो भी रेमेडीज मैं होम रेमेडीज अपने ऊपर ट्राई कर रही हूँ या मैं अभी तक उन्हें यूज कर रही हूँ, मैं वो रेमेडीज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आपको लगता है कि एक्चुअल में उससे रिजल्ट आ रहा है तो आप उसे यूज जरूर करना और कमेंट सेक्शन में मुझे थैंक यू बोल देना उसके लिए। तो मैं वो रेमेडीज रेडी करती हूँ एंड देन फिर मैं आपको इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करती हूँ। गाइस मैंने कर लिया फेस वॉश, और कहते हैं ना फेस का मामला है, ये आफ्टर वॉश है। यूज करोगे ना आपको खुद भी पर्सनली दिखेगा यूज करने के बाद कि यार एक्चुअल में इससे रिजल्ट आता है। तो गाइस ये मेरा एक्चुअल फेस है, अभी मैंने सब एकदम क्लीन कर लिया है, उसके बाद ये मेरे डार्क सर्कल्स। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है एक आलू, और ये थोड़ा सा आलू ऐसे ग्रीन हो गया है, बट ठीक है स्टिल मुझे इसे कद्दूकस करना है। तो मैंने एक आलू लिया है, मैंने लिया है आधा खीरा, इसे भी हम कद्दूकस कर लेंगे, और मैंने लिया है यहाँ पे विटामिन ई का कैप्सूल जो कि मुझे इसमें मिक्स करना है, एंड कॉटन पैड्स। अगर कॉटन पैड्स नहीं है तो आप नॉर्मली कॉटन भी ले सकते हो। तो अभी इसे कर लेते हैं कद्दूकस। हमें सिर्फ सारी चीजों को कद्दूकस करके और उनका सिर्फ जूस लेना है। तो गाइज मैंने इन दोनों ही चीजों को कद्दूकस करके और इनका मिक्सचर बना लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें लेना है इनका ये जो जूस है, तो हमें इस जूस को निकालना है दूसरे बाउल में। तो उसके लिए मैंने ले लिया है दूसरा बाउल, और अब हम इसके अंदर इसका जूस निकाल लेते हैं। यहाँ पे ये इसका जूस निकाल लिया है, एंड ये गिर ना जाए, और उसमें अब ऐड करेंगे विटामिन ई का कैप्सूल, एंड आपको इसमें ऐड करना है एलोवेरा जेल। तो इसमें एलोवेरा जेल भी मैंने ऐड कर लिया, और अब इसको कर देते हैं मिक्स।
एंड मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे कॉटन पैड कट करके. आप कट करके उसको ऐसे सी शेप में, मतलब लाइक आप बीच में से कट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली सी शेप में दो पीसेस कट हो जाएंगे. एंड देन आपको उस कॉटन पैड को इसमें डिप करना है. अगर आपके पास कॉटन पैड नहीं है तो आप कॉटन लो, कॉटन को इसमें डिप करो एंड देन आप कॉटन को भी अपने आईज पे रख सकते हो. बट फॉर यू नो रिलैक्सेशन आपको कॉटन पैड यूज करना है तो आप कर लो, क्योंकि आप उसको होता है ना कॉटन पैड अगर आप लगाओगे तो फिर आप उसे लगा के और आराम से लेट सकते हो और आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा. तो मैं कॉटन पैड यूज कर रही हूँ, बट आप लोग कॉटन भी यूज कर सकते हो अगर आपके पास कॉटन पैड नहीं है. तो ये मैंने कॉटन पैड को इसे कट कर लिया है और अब हम इसे कर देंगे अंदर डिप. ये डिप होने के बाद ऐसा लगेगा और आपको करना है इसे ऐसे स्क्वीज, ज्यादा भी नहीं, इसको हल्का स्क्वीज करना कि इसमें थोड़ा बहुत जो भी हमने मिक्सचर बनाया है वो इनमें रहे. एंड देन व्हाट यू हैव टू डू इज आपको इसे ऐसे आंखों के नीचे अप्लाई कर लेना है. नाउ ऑन द अदर साइड. अब ये मैंने कर लिया है अंडर आई के लिए. ऐसे ही सेम आपको दो पैड्स कट करने हैं और वो मैं यूज करूंगी ऊपर आंखों पे. वो मैं अभी नहीं लगा रही हूँ क्योंकि अगर मैं लगाऊंगी तो फिर मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगी, ऑब्वियसली मेरी आंखें बंद हो जाएंगी और फिर उसके बाद मुझे रिलैक्स ही करना होगा. तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद. अभी मैं ऊपर वाली आईज पे भी अपने कॉटन पैड्स डिप करके लगा रही हूँ. तो 10 मिनट बाद मिलते हैं रिजल्ट के लिए. तो गाइस ये लगाने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर. सो इट्स शो टाइम गाइस. हो गए हैं 10 मिनट से ज्यादा ही हो गए हैं. मैं तो लो म्यूजिक चला के इतना ज्यादा सुस्ता रही थी. इतना ज्यादा कूलिंग इफेक्ट दे रहा है, इतना ज्यादा बहुत फ्रेश फील हो रहा है. ये जो थोड़ा 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 इस पे रह जाएगा ना का जूस, उसको ऐसे 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 करके अपनी फिंगर्स की हेल्प से थोड़ा सा मसाज कर लेना ताकि वो और अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए. तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने इस रेमेडी में पोटैटो, कुकुम्बर और विटामिन ई का कैप्सूल और एलोवेरा जेल क्यों यूज किया था. तो पोटैटो में होता है विटामिन सी और विटामिन सी में कूलिंग इफेक्ट होता है. अब अगर आप उसे यूज करते हो तो वो आपकी स्किन पे एक कूलिंग इफेक्ट देता है. और या तो आप लाइक उसको स्क्वीज करके जूस निकाल के लगाओ या फिर आप उसकी यू नो पोटैटो लो और उसकी स्लाइसेस कट करो एंड देन आप उसको डायरेक्टली भी लगा लो. वो एक अच्छा कूलिंग इफेक्ट देगा, आपकी पफिनेस को रिड्यूस करेगा. सी अगर आप इससे पहले वाली क्लिप पे जाके देखोगे ना तो जो नीचे पफिनेस थी ना आपको उसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगा. पफिनेस कम करता है, आपके डार्क एरियाज को कम करता है और पोटैटो इज यू नो वेरी गुड फॉर पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल्स, डार्क एरियाज. तो वो हेल्प करता है उन सब चीजों को यू नो लाइट करने के लिए. तो इसीलिए पोटैटो यूज किया था. एंड कुकुम्बर एक यू नो नेचुरल स्किन टोनर का काम करता है जिससे वो स्किन को स्मूदर भी रखता है और बहुत फ्रेश और बहुत अच्छा फील करवाता है. तो हमने उसमें कुकुम्बर ऐड किया था. एंड विटामिन ई आपको पता ही है, विटामिन ई का जो कैप्सूल होता है आप उसको किसी भी उसमें यूज कर सकते हो. आपकी हेयर ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, आपके डार्क सर्कल्स को कम करने के लिए अच्छा होता है, आपके अगर फेस पे एक्ने मार्क्स है तो उसके लिए अच्छा होता है. सो इसलिए हमने विटामिन ई यूज किया था. एंड एलोवेरा जेल ऑल्सो वो स्किन को बहुत स्मूदर और बहुत यू नो यंग फील करवाता है. तो हमने एलोवेरा जेल उसमें ऐड किया था. तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करके हमने उसका मिक्सचर बना के लगाया था. ये हो गई हमारी फर्स्ट रेमेडी जिसमें मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट रेमेडीज में आप क्या क्या यूज कर सकते हो और इनको यूज करने से आपकी स्किन पे क्या इफेक्ट आएगा. आप इसको यूज करो और आप इसे दिन में रात में आप जैसे भी चाहो यूज कर सकते हो. नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड रेमेडी. सेकेंड रेमेडी के लिए मैंने लिया है यहाँ पे मलाई. ये मैंने फ्रिज में रखी हुई थी तो थोड़ी सी जम गई है. तो उसके लिए आपको लेनी है मलाई एंड इसको आपको यूज करना है नाइट में. आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले आप ये पोटैटो वाला वो लगाओ पैड, कॉटन पैड लेके लगाओ उसके जूस को एंड देन आप इसको एज अ यू नो नाइट क्रीम यूज कर सकते हो डार्क सर्कल के लिए. तो आपको लेनी है इसमें मलाई एंड अगेन आपको लेना है विटामिन ई का कैप्सूल और आपको इसमें डालनी है इसकी एक या दो ड्रॉप्स. जितने भी मतलब एक पूरी मलाई नहीं लगानी आपको, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है आपको उसमें से निकालनी है थोड़ी सी मलाई. आप अपने फिंगर्स पे निकालिए एंड देन आपको इसमें ऐड करना है विटामिन ई का कैप्सूल. विटामिन ई का कैप्सूल ऐड करने के बाद आपको ऐसे करना है विद द हेल्प ऑफ द फिंगर आपको एंड देन उसके बाद आपको अपनी आंखों पे ऐसे सर्कुलर मोशन में मसाज करना है. मैं अभी अप्लाई नहीं कर रही हूँ क्योंकि मॉर्निंग हो रही है और अभी मुझे इस टाइम पे नहीं लगाना है क्योंकि मुझे बाहर जाना है. आप उसे ऐसे लेकर और अपनी आंखों पे लगाइए और उसे मसाज कीजिए. उसे मसाज करने के बाद उसे ओवरनाइट आप छोड़ दो एंड देन जब आप मॉर्निंग में उठोगे तो आपको आप उसे कॉन्टिन्यूसली लगाओ. एटलीस्ट 2 से 3 दिन लगाओ. 2 से 3 दिन के बाद आपको खुद ही उसमें इम्प्रूवमेंट नजर आ जाएगी. द थर्ड रेमेडी इज आपको लेना है बादाम रोगन ऑयल.
एंड अगेन आप उसमें मिक्स कर सकते हो विटामिन ई का कैप्सूल, एंड विटामिन ई का कैप्सूल की एक या दो ही ड्रॉप डालनी है। उस ड्रॉप को डालने के बाद आप उसे मिक्स कीजिए एंड अगेन उसको भी मसाज कीजिए। इसमें से आपको जो भी रेमेडी सूट करती है, जो भी रेमेडी बहुत ज्यादा इफेक्टफुल लगती है, आप उसको यूज करो। और यूज करने के बाद आप मुझे जरूर बताना कि वो यूज करने के बाद आपको उसका इफेक्ट कैसा लगा और क्या इम्प्रूवमेंट आया, क्या इम्प्रूवमेंट नहीं आया। देन आई एम हैप्पी टू हेल्प यू गाइज। अगर उससे इम्प्रूवमेंट नहीं भी आता है देन I'll find some other remedies and I'll test on myself first and then फिर उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बट आई होप आप इन रेमेडीज को ट्राई करोगे, यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड रिजल्ट। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल येट, सो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।